अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। सर ने आपके साथ इंटरनेशनल बॉर्डर्स की कुछ फ्रेश अपडेट शेयर करनी थी। सबसे पहले जो अपडेट है, स्कॉट मॉरिसन की तरफ से एक अपडेट आई है कि विक्टोरियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से इंटरनेशनल स्टूडेंट का जो ट्रैवल है वो जल्द से जल्द स्टार्ट होगा। दिसंबर एंड की बात की है और जनवरी के स्टार्ट में, तो विक्टोरियन के जो स्टूडेंट्स होंगे जो विक्टोरिया जाना चाहते हैं तो उनके लिए अपडेट है। और उसके बाद बाकी वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की तरफ से अपडेट आई है, फ्रेश अपडेट है ट्रैवल के हवाले से कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का जो ट्रैवल है वो जल्द से जल्द स्टार्ट होगा। सो वो वीडियो को एंड तक देखना, चैनल पर नए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन। उसके बाद ऑल का ऑप्शन ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरे आने वाली ऑस्ट्रेलिया बॉर्डर्स की जो फ्रेश अपडेट्स होती हैं सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सोरेन, यहाँ पर फर्स्ट अपडेट आप लोग देख सकते हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स टू रिटर्न टू विक्टोरिया बाय द एंड ऑफ द ईयर पीएम सेस। तो प्राइम मिनिस्टर के भी एक लेटेस्ट मीटिंग हुई है जिसमें उन्होंने बताया है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का जो ट्रैवल है जो विक्टोरिया जाना चाहते हैं बाय द एंड ऑफ दिस ईयर स्टार्ट होगा। फर्दर देखें कि स्कॉट मॉरिसन हैज टोल्ड द विक्टोरियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, विक्टोरियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स को स्कॉट मॉरिसन ने बताया है कि दैट इंटरनेशनल स्टूडेंट शुड बी एबल टू रिटर्न टू विक्टोरियन बाय द एंड ऑफ द ईयर। तो एंड ऑफ द ईयर की बात की है। एंड पे देखिए, जिस पर उन्होंने ट्विटर में भी बताया है कि प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन सेज ही एक्सेप्ट स्टूडेंट्स इंटरनेशनल स्टूडेंट्स बैक इन विक्टोरिया बिफोर द एंड ऑफ द ईयर ऑल गोइंग वेल। तो यहाँ पर देखें, इन्होंने प्राइम मिनिस्टर ने विक्टोरिया की गवर्नमेंट को बता दिया है क्योंकि इनकी जो इकॉनमी है, जिस तरह NSW की इकॉनमी होगी क्वींसलैंड की, तो ये डे बाय डे डाउन होती जा रही है। दैट्स वाई जो स्कॉट मॉरिसन है उन्होंने ये इनके स्टेट्स को बता दिया है, अनाउंस कर दिया है कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का जो रिटर्न है वो बाय द एंड ऑफ ईयर दिसंबर एंड में और जनवरी में ये पॉसिबल होगा। और जो विक्टोरिया के स्टूडेंट्स हैं वो विक्टोरिया जाएंगे। NSW के भी सेम इसी तरह ही है। और आगे क्वींसलैंड एंड वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के बारे में मैंने आपको बताना था कि इनके भी जो बॉर्डर्स हैं वो भी एंड ऑफ दिसंबर में ओपन हो जाएंगे। अभी नेक्स्ट यहाँ पर देखें, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इन वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया प्लान्स टू वेलकम बैक ओवरसीज स्टूडेंट्स इन 2022। तो द वेस्ट न्यूज़ चैनल पर है यहाँ पर कि इसमें बताया है कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं, बहुत से हमारे बहन भाई जो क्वेश्चन कर रहे थे कि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के अगर अपडेट आई तो हमारे साथ शेयर करना, तो यहाँ पर एक शॉर्ट अपडेट आई थी कि जिसमें प्लान के बारे में डिस्कस किया गया है कि 2022 में पॉसिबल ट्रैवल स्टार्ट होगा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का। तो मैं आपको क्लियर बता दूँ इसमें कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का जो ट्रैवल है वो पॉसिबल होगा 2022 में, बिकॉज ये जो आगे फर्दर 2 मंथ्स है, जिस तरह नवंबर ये मंथ है, इसमें दिसंबर आ गया, तो ये सिटीजन्स के लिए है कि सिटीजन्स रिटर्न करें ऑस्ट्रेलिया। तो उसके बाद बाकी जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं तो उनका रिटर्न भी जल्द से जल्द स्टार्ट होगा। सारी स्टेट्स वैक्सीनेट 100% हो जाएंगी दिसंबर तक। नेक्स्ट अपडेट, स्कॉट मॉरिसन हैज कॉल्ड ऑन वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया एंड क्वींसलैंड टू री ओपन इट्स इंटरनेशनल बॉर्डर्स। तो स्कॉट मॉरिसन ने ये अनाउंस किया है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया को भी एंड क्वींसलैंड को भी कि अपने इंटरनेशनल बॉर्डर्स को ओपन कर दे फॉर द सेक ऑफ देयर ओन इकोनॉमी परफॉर्मेंस। तो यहाँ पर देखे, हर स्टेट की जिस तरह इन्होंने क्लियर बता ही दिया है कि हर स्टेट में जो इकॉनमी है उसकी परफॉर्मेंस जो है वो डाउन होती जा रही है डे बाई डे। एंड जिस तरह मैंने आपके साथ शेयर भी किया था कि इनकी कंट्री में जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं वो इनकी 4th biggest एक्सपोर्ट है। तो यहाँ पर देखें, होप फॉर द बेस्ट है कि इंटरनेशनल बॉर्डर्स जो है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए वो जल्द से जल्द ओपन कर दिए जाएंगे। जिस तरह यहाँ पर देखिए, सारी स्टेट्स अभी ओपनिंग की तरफ आ चुकी हैं, तो 2022 में पॉसिबल होगा जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का ट्रैवल है। सवेरन अपडेट्स में आप लोगों ने देख लिया हो कि स्कॉट मॉरिसन ने जो विक्टोरियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स है उनको क्लियर बता दिया है कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनको जल्द से जल्द रिटर्न करें कंट्री के अंदर। तो बाकी मैंने आपके साथ ये बस शेयर करना था इसमें कि बाकी सारी जो स्टेट्स हैं वो स्टेप बाय स्टेप ओपन हो जाए, ओपनिंग की तरफ आ रही हैं ताकि इंटरनेशनल स्टूडेंट जल्द से जल्द वापस आ सकें। तो उसके बाद जो वैक्सीनेटेड होंगे उन स्टूडेंट्स को अलाउ किया जाएगा, जिस तरह इन्होंने जो जो वैक्सीन बताई थी कि कौन सी वैक्सीन अप्रूव होगी। मैं आपको एक दफ़ा फिर बता दूँ कि अगर जिसने वैक्सीन नहीं लगाई वो लगा लें। सबसे पहले जो AstraZeneca वैक्सीन है, फिर फाइजर वैक्सीन है, उसके बाद मोडर्ना वैक्सीन भी है, तो उसके बाद जॉनसन वैक्सीन जो है, तो ये सारी वैक्सीन जो है ये आप इसमें से आप लगा सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के ट्रैवल के लिए। तो इंशाल्लाह जो ट्रैवल है वो जल्द से जल्द स्टार्ट होगा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का भी। सो आज की वीडियो आ तक थी, चैनल पर नए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन। उसके बाद ऑल का ऑप्शन ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरे आने वाले ऑस्ट्रेलिया बॉर्डर्स की जो फ्रेश अपडेट्स होती हैं सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।